हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की तरफ से अपडेट। इनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इसके अंदर अपडेट आई हुई है और यहाँ पे बहुत बढ़िया पैकेज ऑफर कर रहा है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे परमानेंट जॉब रहेगी और आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। पावर यूटिलिटी है तो यहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहेगी और सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक वीडियो को देखना अगर आप एलिजिबल हो। चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट कौन सी है, सारी चीजें समझ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए अप्लाई करना है या नहीं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बताओ चैनल के बारे में। हम डेली लेटेस्ट जॉब्स जो फ्रेशर्स के लिए होती है वो डिस्कस करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से कर देना। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट है और इसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन ब्रांचेस वाले एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग में ये ब्रांचेस एलिजिबल है। इनफैक्ट यहाँ पे फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2022 में पास आउट होने वाले हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। एक और कंडीशन है यहाँ पे, अगर आपने गेट 2022 दिया हुआ है और क्वालिफाई किए हो तभी आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे गेट के थ्रू पूरा सिलेक्शन होने वाला है, तो गेट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बढ़िया मौका है। नाउ गेट के थ्रू काफ़ी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल रही है, काफ़ी PSUs कर रही है और काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रहे हैं जो गेट के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे गेट 2023 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपका टारगेट 2023 है, तो इस जर्नी के अंदर आपको यहाँ पे अनअकैडमी हेल्प करेगा। और यहाँ पे अनअकैडमी ने गेट एंड EAC की स्पेशल कॉम्बैट अनाउंस की हुई है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया हुआ है स्पेशल गेट एंड EAC की कॉम्बैट जो कि कंप्लीटली फ्री है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे इस कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर सकते हो और कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। यहाँ पे इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके अंदर जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो है जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, इन क्वेश्चंस के आपको डिटेल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे टॉप एजुकेटर्स की तरफ से। एंड यहाँ पे जो है अगर आप टॉप रैंक करते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी गेट एंड EAC के सब्सक्रिप्शन के लिए, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है बेनिफिट मिल रहा है वो प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप गेट 2023 की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी। अभी से अगर आप स्टार्ट कर देते हो ना, आपकी प्रिपरेशन का एनालिसिस आप प्रॉपरली कर पाओगे। So, इस कॉम्बैट में रजिस्टर करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा। कोड यहां पे डिस्प्ले हो रहा है Abdul4343, जिसको यूज करके आप बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। एंड ये कॉम्बैट जो है April 10, 2022 सुबह 11 बजे होने वाली है, तो भाई आपको इसको लाइव अटेम्प्ट करना होगा अगर आपको स्कॉलरशिप और एट्रेक्टिव जो बेनिफिट चाहिए उसके लिए। तो भाई 11 बजे 10 अप्रैल को रेडी रहना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, चेक कर लेना और जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लो, बिल्कुल फ्री है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाओ। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। सो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हमने देख लिया और गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रही है गेट 2022। अब वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप देख लो, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी मैकेनिकल के अंदर, 22 वैकेंसीज है, और सबसे कम IT के अंदर है। और यहाँ पे एज लिमिट 29 ईयर्स की। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपको यहाँ पे 56,100 बेसिक पे मिल जाएगा और बाकी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी, जो कि यहाँ पे आपका टोटल पैकेज अराउंड 75-80,000 के करीब होगा, आराम से हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, ये सारे अगर बेनिफिट्स मिलते हैं तो आराम से आपको मिल जाएगा 75-80 के करीब। और यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 10 का है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन 6 अप्रैल से ओपन हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 20 अप्रैल है। 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और गेट 2022 के पेपर कोड की बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल का सेम पेपर कोड, वही सेम ब्रांचेस का इन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पे जो है आप CNI करके एक पोस्ट देखोगे जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन का IN और इलेक्ट्रॉनिक्स का EC दोनों अलग अलग एक ही आपको कॉलम के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। और हाँ, इन्होंने 65% का डिग्री के अंदर क्राइटेरिया दिया हुआ है जनरल वालों के लिए। SC ST वालों को 60% का है, लेकिन जनरल वालों को यहाँ पे 65% होने चाहिए डिग्री के अंदर।
इससे कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ऑब्वियसली गेट 2022 मैटर करती है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू भी यहाँ पे होने वाला है। ये जो होता है 15-20% के बीच में रेंज करता है आपका ग्रुप डिस्कशन जो है और पर्सनल इंटरव्यू, और बाकी गेट 2022 के मार्क्स जो कि 80-85% के बीच में रेंज करते हैं इसकी वेटेज फाइनल सिलेक्शन में। और यहाँ पे अगर आपके जो है मार्क्स अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो तभी अप्लाई करना, और थोड़ा अच्छा रैंक है तब आप यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी हुई है ₹300 एप्लीकेशन फीस है, थोड़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, इतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हाँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको फीस पे करनी रहेगी ₹300। बाकी SC ST वालों को कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। सो एज आई सेड यहाँ पे वेटेज दे दिया है, इसका इंटरव्यू का वेटेज 12% का है, ग्रुप डिस्कशन का 3% है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 25 मार्क्स लाने होंगे, 50 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू है, इसकी वेटेज फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ 12% है लेकिन 50 मार्क्स है, आपको इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए 25 मार्क्स लाने होंगे, ये इन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। सो आपका यहाँ पे ओरिजिनल स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएगी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका जो है शॉर्टलिस्टिंग होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस और सारी चीज़ें मेंशनड है, आप ऑफिशियल वेबसाइट dvc.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे लास्ट डेट 20 अप्रैल है। इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो खास ध्यान रखना आपका रैंक थोड़ा अच्छा हो तभी चांस लेना, अदरवाइज आपके ₹300 ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। अगर फ्री होता तो मैं आपको डायरेक्टली कहता अप्लाई कर लो, लेकिन यहाँ पे फ्री नहीं है, एटलीस्ट अगर क्वालिफाई किया है तो मतलब अप्लाई मत करना, सिर्फ अगर क्वालिफाई किया हुआ है, सिलेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग जो है 1:3 के हिसाब से की जाएगी, मतलब जितनी वैकेंसीज है उससे मल्टीप्लाई बाय 3 इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो इस तरीके का पूरा सिनारियो है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड इन्होंने बताया हुआ है 5 लाख का है जनरल वालों के लिए और 2.5 लाख का है SC ST वालों के लिए। सो यहाँ पे आपको बॉन्ड जो है 4 साल का इन्होंने बताया हुआ है, एटलीस्ट 3 ईयर्स प्रोबेशन के 1 साल के बाद, तो टोटल यहाँ पे 4 साल की सर्विस आपको देनी रहेगी। सो इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनल ईयर में जो भी कैंडिडेट्स है वो अभी अप्लाई कर पाएंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट है गेट 2022। सो इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ, अगर आप अभी जॉब फाइंड कर रहे हो तो पैरेलली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो गेट 2023 की। यहाँ पे कॉम्बैट में आप जरूर से एनरोल करना अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये बिल्कुल फ्री है और आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है एज वेल एज DVC का भी लिंक मेंशन है। इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।